उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप में पुनः वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है. वंस अगेन द वेरिफिकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस एंड वी हैव अ फ्यू स्टेटस लेट मी शो कि फेब में 22, 23 और 24, 25 तक भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है और इन बच्चों का इन दिनों में वेरिफिकेशन हुआ है उनके कुछ अपडेट और उनके स्टेटस शो होने लगे. आइए मैं आपको कुछ स्टेटस दिखाता हूँ. सबसे पहले आप ये स्टेटस देखिए, यहाँ पे इनका स्टेटस दिखा रहा है कि वेरिफिकेशन रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट सोशल स्कॉलरशिप कमेटी 22/2/22 रिसेंटली, दो दिन पहले की स्कॉलरशिप इनकी वेरीफाई हुई है. अगर इनकी बात करें तो 23 तारीख को इनका स्कॉलरशिप वेरीफाई हुआ है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं. और इसके अलावा मैं आपको एक और स्टेटस दिखा दूँ, यहाँ पर आप स्टेटस देखेंगे तो इनका वेरीफिकेशन 24 तारीख को हुआ है, 24/2/2022 का. तो दोस्तों ये अपडेट है कि जो आपका करेक्शन होना था उस करेक्शन बेस पे अगर आपने एप्लीकेशन दिया है समाज कल्याण को, कॉलेज को, और कॉलेज ने समाज कल्याण को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया है, आपके इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से स्कॉलरशिप वेरीफाई होना शुरू हो चुका है. 22, 23, 24 तक के अपडेट आ रहे हैं. जिन बच्चों का 24 फरवरी तक अपडेट हो चुका है उनका यहाँ पर शो हो रहा है. एक और चीज़ मैं कह दूँ, ये बहुत ही स्टार्टिंग है, बहुत ही बिगनिंग है, बस कुछ ही बच्चों का. आप अगर मेरी जहाँ तक समझ है, मैं जहाँ पर बच्चों को देख पा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 100 में अगर बात करें तो 20 या 25 बच्चों का ही ये शो हो रहा है. अभी बहुत बच्चों का ये स्टेटस शो नहीं हो रहा है जिनका वेरीफाई हुआ है. तो उम्मीद है जल्द ही आप सभी का स्टेटस शो होने लगेगा. ये रिसेंटली अपडेटेड है, रिसेंटली जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ है, आप देख सकते हैं 22 तारीख को, आप देख सकते हैं 23 और 24 तारीख को. तो इन बच्चों का जिनका 24 तक वेरिफिकेशन हुआ है उनका ये शो हो रहा है, ठीक है. मे बी अभी जिन बच्चों का नहीं है वो भी यहाँ पर अपडेट. एक चीज़ मैं और कह दूँ, यहाँ पर जिन बच्चों का 22 का जो शो कर, जो यहाँ पर जो 22 का वेरीफाई हुआ ना, तो ये अपडेट उनको 24 और 25 को मिला. मतलब आप 24 को देखे थे तब उनका दिखा रहा था कि 22 को अपडेट. ऐसा नहीं कि आज 22 को वेरीफाई हुआ है और आज ही स्टेटस शो होने लगा, नहीं, एक दो दिन के बाद यहाँ पे शो हो रहा है. तो उम्मीद है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत जल्द विद इन अ वीक सारे बच्चों का स्टेटस शो करने लगेगा जिनका भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से DWO से वेरीफाई हुआ होगा, उनका बहुत जल्द शो होने लगा. दोस्तों ये एक अपडेट थी. आप प्लीज़ पैनिक मत होइए, अगर आपने फॉर्म दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, अगर आप फॉरवर्ड कर रखा है, तो उम्मीद है जल्द ही आपका भी स्टेटस कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा. तो प्लीज़ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाकी जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा. दोस्तों कुछ और स्टेटस देख लेते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले. जैसे इनका बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd सेकेंड ईयर 23 तारीख को वेरीफाई हुआ है, इनका भी 23 तारीख को वेरीफाई हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर, इनका भी 23 तारीख को सेम स्टेटस था ये दूसरा वाला. और यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन 23 तारीख को मुशकिल तारीख, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो 22 तारीख को यहाँ पर अपडेट हुआ है, और एक और हम बात करें तो यहाँ पे 24 तारीख को वेरीफाई हुआ है. तो दोस्तों बाकी जितने भी स्कॉलरशिप्स वेरीफाई होने हैं वो भी जल्द से जल्द वेरीफाई हो जाएंगे. मुझे लगता है देखो जो DWO है ना उसने ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है अगर आपने एप्लीकेशन दिया है तो. बट हाँ, अपडेट होना आपके पोर्टल पे जब आप स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करते हैं तो बहुत जल्द अपडेट होगा. बाकी जैसे भी इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है मैं शेयर करूँगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. धन्यवाद.